नमस्कार। महाभारत, जिसे भारत या जय ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमें महाभारत के पहले श्लोक से पता चलता है, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत। यहाँ पे जो जय शब्द प्रयोग किया गया है, ये ग्रंथ के नाम के लिए प्रयोग किया गया है। तो नारायण और देवी सरस्वती को प्रणाम करने के बाद में जय ग्रंथ को शुरू करना चाहिए। इस प्रकार से व्यासदेव मंगलाचरण कर रहे हैं, तो जो महाभारत का मंगलाचरण है उसमें ही इस ग्रंथ का नाम जय ग्रंथ बताया गया है। बाद में इस ग्रंथ को भारत या महाभारत के नाम से भी जाना गया। महाभारत संसार के सभी काव्यों और महाकाव्यों में सबसे विशाल है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसे 1,00,000 श्लोकों में रचा गया। जैसा कि हमें पता चलता है, महाभारत के बाद हम हर अध्याय के बाद में जो टेक होता है उसमें हम पढ़ते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् महाभारते शत सहस्रायाम संहितायाम शत सहस्र संहितायाम, यानी कि 100 × 1,000 इतने श्लोकों की संहिता है जिसे महाभारत कहा गया। तो महाभारत एक बहुत ही विशाल और सभी प्रकार के ज्ञान से संपूर्ण एक ग्रंथ है जिसकी रचना वेदव्यास जी करते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना आखिर क्यों की। महाभारत रचना करने से पहले वेदव्यास जी ने सभी वेदों को कंपाइल कर दिया था और कई सारे अन्य ग्रंथों की भी रचना कर दी थी, जिससे मनुष्य मानव जीवन के लक्ष्य को समझ सकते थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझ सकते थे। फिर इस प्रकार के एक विशाल ग्रंथ की रचना की क्या आवश्यकता पड़ी, तो इसका उत्तर हमको शास्त्रों में ही मिल जाता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में इसके बारे में बताया गया है, कर्म श्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एव भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनीनां कृतम। तो महामुनि वेदव्यास जी ने जब ये देखा कि सब लोग अपने कर्मों में लगे हुए हैं लेकिन किसी को समय नहीं है आध्यात्मिक जीवन के बारे में रुचि लेने के लिए, ना ही लोगों में इतनी बुद्धि है, तो उनको उद्धार करने के लिए उन पे कृपा करके भारत आख्यान यानी कि महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की। इसमें सरल शब्दों में कहानियों के माध्यम से इस प्रकार से जैसे कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ सके ऐसे दृष्टांत देकर वेदव्यास जी ने बहुत ही क्लियर और सरल भाषा में सारे वैदिक ज्ञान को एक जगह संग्रहित कर दिया। इसीलिए महाभारत के बारे में कहा भी जाता है यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए महाभारत में जो भी ज्ञान प्राप्त करने योग्य सब कुछ वेदव्यास जी ने महाभारत में रख दिया और महाभारत के मध्य में भगवद गीता को सुशोभित किया। तो भगवद गीता जो है वो सभी प्रकार के उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है, और महाभारत में सभी प्रकार के धर्म अर्थ ज्ञान काम मोक्ष आदि सब कुछ है। तो सभी चीज़ों का ज्ञान हमको महाभारत में मिल जाता है। तो ये तो थी महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने क्यों की। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है महाभारत के बारे में। जब वेदव्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले मानसिक रूप से मन ही मन इस पूरे ग्रंथ की रचना कर ली और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब इस ग्रंथ का विस्तार कैसे करें, दूसरों को कैसे बताया जाए। तो ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, पहले किसी ग्रंथ को यदि परंपरा में सिखाना होता था तो एक गुरु अपने शिष्य को सिखा देता था और वो अपने शिष्यों को इस प्रकार से चलता था। लेकिन महाभारत या जय संहिता इतनी विशाल थी, इतना विशाल ग्रंथ था कि वेदव्यास जी ने सोचा कि ये कलयुग के लोग इसको याद नहीं रख पाएंगे, तो इसके लिए इसको लिपिबद्ध करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए पेपर पे या जो भी ताड़पत्र आदि जो भी उस समय होते हैं, तो ये लिखना था। अब ये इतना विशाल ग्रंथ लिखना है तो इसमें कितना समय लगेगा, 1,00,000 श्लोक है, समझिए 100-125 श्लोक भी यदि रोज लिखे जाए तो भी 3 साल लगेंगे। लगभग 3 साल का ही समय लगा था वेदव्यास जी को महाभारत लिखने में। लेकिन इसका जो लेखक चुनना था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो लेखक के रूप में वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से गणपति या गणेश जी को चुना, और गणेश जी को चुनने का कारण भी बहुत विशेष था। वो बहुत ज्ञानवान है, लिखने में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, उनकी हैंडराइटिंग सुंदर तो है ही और बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, इसलिए गणेश जी को चुना। अब गणेश जी के पास में वेदव्यास जी गए और उनको कन्विंस कर लिया कि आप ये लिखिए। तो गणेश जी ने कहा ठीक है लिखेंगे, लेकिन एक शर्त रख दी गणेश जी ने कि लिख तो दूंगा मैं लेकिन तभी लिखूंगा जब मेरी कलम नहीं रुके, इतनी स्पीड से बोलो, मतलब मैं लिखता रहूंगा और आप बोलते रहोगे, अगर आप बीच में रुकोगे तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो ये शर्त गणेश जी ने रखी वेदव्यास जी के सामने, जिसे वेदव्यास जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि ठीक है आपकी ये शर्त मुझे स्वीकार है, लेकिन आप भी जो श्लोक मैं बोल रहा हूँ, जो आप लिख रहे हो, उसको विचार और उसके अर्थ का विचार किए बिना आप नहीं लिखोगे। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ने कुछ समय निकाल लिया कि जिससे वेदव्यास जी गणेश जी को अर्थ समझने में उलझा सके और दूसरे श्लोकों की रचना या दूसरे श्लोकों को कर सके। इस प्रकार से वेदव्यास जी और गणेश जी की कृपा से हमको ये महाभारत नाम का विशाल ग्रंथ मिलता है। तो ये चीज़ को वेदव्यास जी स्वयं लिखते भी हैं महाभारत में ही,
कि ये 8,800 ऐसे श्लोकों की रचना की जिनके गूढ़ अर्थ है, जिनका एक से अधिक अर्थ है, तो कूट या पहेलियां होती है उस प्रकार से, तो उनमें एक से अधिक अर्थ है तो उस पर विचार करने के लिए गणेश जी को थोड़ा समय लगता था, तब तक वो और श्लोक रच लेते थे। तो जो श्लोक है वो इस प्रकार है, अष्टो श्लोक सहस्राणी अष्टो श्लोक शतानी च अहम वैत्तीशुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। 8,000 अष्टो श्लोक सहस्राणी 8,000 और उसके बाद अष्टो श्लोक शतानी च और उसके बाद 800 और श्लोक, 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ वेदव्यास जी क्या कहते हैं, अहम व्यक्ति मैं जानता हूँ, सुखदेव जानते हैं, संजय जानते हैं कि नहीं जानते ये मैं नहीं जानता, इस प्रकार से इसका अर्थ क्या है कि वो कूट श्लोक है। कई लोगों ने इस श्लोक के आधार पर ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि जो महाभारत है वो 8,800 श्लोकों की ही है जिसे वेदव्यास जी ने लिखा ओरिजिनली, लेकिन वैसा नहीं है। उसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो गणेश जी और उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको वो सुचारू रूप से चले और महाभारत कंटिन्यूअसली लिखी जाती रहे, इसके लिए वेदव्यास जी ने इन 8,800 श्लोकों की रचना की। इनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो भगवद्गीता में आता है, ऐसे अन्य कई भी श्लोक हैं। एक श्लोक का हम उदाहरण लेंगे, ये आता है भीष्म पर्व से। जब भीष्म देव और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा होता है और अर्जुन शिखंडी को ढाल बना के भीष्म के ऊपर प्रहार करते हैं अपने तीरों से, तो शिखंडी के जो तीर हैं वो वास्तव में भीष्मदेव के कवच को भी नहीं भेद पाते। तो शिखंडी वैसे तो महारथी हैं लेकिन भीष्म के सामने वो इतने कमज़ोर हैं कि उनके तीर भीष्म को कोई प्रभाव नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अर्जुन के तीर भीष्म के शरीर को भेद देते हैं और आर पार निकल जाते हैं। तो यही ऑब्जर्वेशन भीष्मदेव अपने इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पे जो श्लोक है वो इस प्रकार है, अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणा शिखंडिनः कृतन्ति मम गात्राणी माघ मासे गवामिव। तो यहाँ पे जो चौथा पद है इसका, पहला दूसरे में तो वो बताते हैं कि ये अर्जुन के बाण है, शिखंडी के बाण नहीं है, और इसके लिए एक द्विअर्थीय शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि चौथे पद में आता है, कृतान्ति मम गात्राणी, मेरे अंगों को इतनी पीड़ा देने वाले और मेरे अंगों को छेद देने वाले जो तीर है ये कैसे है। अगर ये अर्जुन के तीर है तो माघमा वृश्चिक को बोलते हैं, स्कॉर्पियन या बिच्छू, तो जो बिच्छू है वो जब उसका प्रसव होता है, जब उसके बच्चों का जन्म होता है तो बच्चे पेट फाड़ के निकल जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसके शरीर को खा लेते हैं बच्चे, इस प्रकार से इतना पीड़ादायक है। तो अर्जुन के बाण है तो माघा माँ से, माघा माँ के समान है, माघा माँ के प्रसव के समान है। और यदि ये अर्जुन के बाण नहीं है, अगर ये शिखंडी के बाण है तो कैसे हैं, तो इसको माघा माँ को ऐसे पढ़ेंगे माघ माँ से, तो माघ मास में जो सूर्य होता है, गवा शब्द सूर्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य जो माघ मास में होता है वो इतना प्रभावहीन होता है कि उसको कोई उसकी कोई परवाह नहीं करता, मतलब सूर्य एक तो दिखाई नहीं देता माघ मास में, लेकिन मध्याह्न के समय में यदि सूर्य थोड़ा समय दिखाई भी दे तो वो इतना कमज़ोर होता है कि वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से जैसे माघ मास का सूर्य है जिसकी सब उपेक्षा करते हैं कि क्या सूर्य है, या तो सूर्य उदय ही नहीं हो रहा है या फिर ऐसा ही है धुंध है दिन भर, तो ऐसा माघ मास के सूर्य के समान इतने कमजोर शिखंडी के मान है। तो ऐसे ऐसे 8,800 कूट श्लोकों की रचना वेदव्यास जी करते हैं। तो ये महाभारत का लिखने का प्रोसेस हमने देखा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग महाभारत का जो शास्त्र है, अगले आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि महाभारत जो शास्त्र है या महाभारत जो ग्रंथ है उसमें वेदव्यास जी ने किस किस चीज़ों का संकलन किया, कितने भागों में इसकी रचना की, और ये सब देखने के बाद में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ महाभारत, मतलब महाभारत में क्या क्या कॉन्टेंट्स है, किस तरह से महाभारत में जो स्टोरी लाइन है वो जाती है और क्या क्या चीज़ें महाभारत में बताई गई है, महाभारत की शुरुआत कहाँ से होती है, मध्य में महाभारत में क्या क्या है और उपसंहार महाभारत का किस प्रकार से होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए और हम आएंगे जल्दी ही आपके सामने नेक्स्ट सेशन लेके इसका।